इतना डेवलपमेंट इस 9 साल के अंदर हुआ है उतना पिछले 40-50 वर्षों में नहीं हुआ। और जितनी योजनाएं, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हरियाणा की जनता के हित में बनाई है इन 9 साल के अंदर, जितने पोर्टल, जितने करप्शन मुक्त योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त योजनाएं जितनी बनी हैं, वो मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा की जनता को समर्पित किया। आप और हम सबको मालूम है कि इन 9 साल के अंदर किसान की बात करें, चाहे मजदूर की बात करें, चाहे गरीब की बात करें, चाहे पिछड़ा की बात करें, चाहे अगड़े की बात करें, सभी 36 बिरादरी के अंदर एक हरियाणा एक हरियाणवी को लेकर जो मनोहर जी ने स्वप्न देखा था कि हम हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय में नंबर वन पर लेकर आए, इंडस्ट्री के अंदर हम नंबर वन पर आए, सड़क एवं परिवहन के मामले में भी नंबर वन पर हरियाणा को कैसे लाया जा सकता, कैसे हम अपने सिंचाई परियोजनाओं को दुरुस्त करके आम एक एक खेत तक पानी कैसे पहुंचे, उसकी भी पूरी प्लानिंग करके और लास्ट टेल तक नहरों में पानी पहुंचाने का जो काम किया है मनोहर जी की सरकार ने किया। स्वामित्व के नाम से जो लाल डोरा हटाया गया है, पहले लाल डोरा की रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन अब आम आदमी भी लाल डोरा के अंदर रहने वाला जो है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है, अपने प्लॉट के ऊपर लोन ले सकता है, अपना और कोई काम कर सकता है। ये बहुत बड़ी योजना है मनोहर जी की सरकार ने। हर घर जल से नल, ये भी एक हमारी बहुत बड़ी योजना है, जिससे कि शुद्ध पानी, चाहे वो मेवात जिला की बात हो चाहे पूरे हरियाणा की बात हो, आप और हमको पता है मेवात के अंदर रहने वाले परियोजना इस प्रोजेक्ट को अंतिम छोर तक लाने का काम अगर किसी ने कराया तो मनोहर जी की सरकार ने किया है। तालाबों का सौंदर्यकरण और स्वच्छ तालाब, ये योजना भी हमारे गांव के अंदर आप और हम सबको मालूम है किस तरीके से गंदा पानी जितना होता था वो सारा का सारा झोड़ में जाता था, और मनोहर जी की सरकार ने देखा कि इस गंदे पानी से हमारे यहाँ बीमारियां फैलती हैं और ये सारी चीजें होती हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने पूरा तरीके से झोड़ की सफाई करके नए तरीके से झोड़ को बनाया गया है, जिसमें कि नीचे उसके साथ में ट्रीटमेंट प्लांट लगा के गंदा पानी छांट के स्वच्छ पानी उसमें रहे, जिससे कि जो हमारा पशुधन है वो भी वहाँ पर जाकर आसानी से पी सकता है उसको, और आसानी से वहाँ से वाटर रिचार्जिंग भी हो सकता है, जिससे हमारा मीठा पानी का लेवल ऊपर आए। ऐसे करके सुकन्या योजना हो, चाहे उसके अंदर गरीब की बिटिया के को विवाह शगुन योजना के तौर पर 81,000 रुपए देने का काम करती हो उसी सरकार, कांग्रेस के राज में वही मेरे ख्याल से 21,000 रुपए के आसपास था, हमारी सरकार ने 80,000 करने का काम करा। गरीब आदमी को मकान मिले या उसकी रिपेयरिंग करे, उसके लिए करीबन 1,80,000 का बजट दिया गया है पर व्यक्ति। ऐसे ही बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं, किसान के लिए 14 फसलें MSP पर खरीदना, ये भी एक तरीके से अदर स्टेट की बजाय हरियाणा पहला ऐसा स्टेट है जिसमें 14 फसलें MSP पर खरीदी जाती है। आप शिक्षा की बात करें तो मेवात के अंदर 2 कॉलेज हमने बनवाई इस 9 साल के अंदर, 2 कॉलेज आपका एक पुनाना खंड में कॉलेज दिया है, एक फिरोजपुर खंड के अंदर हमने कॉलेज दिया, और आपके साथ साथ में 3 कॉलेज, अगर मैं देखूं प्रशासनिक दृष्टि से, हम संगठन की दृष्टि से तावड़ू को गुड़गांव में मानते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो मेवात के अंदर तावड़ू ब्लॉक जो है वो मेवात में आता है, और मेवात में भी हमने एक कॉलेज बनाया है बीसर गांव के अंदर, कोटा बीसर के अंदर, बहुत बड़ी कॉलेज है वो, और वो चालू हो गई। तो अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, परिवहन के क्षेत्र में भी आपने देखा डिवीजन बनाने की बात आई तो तावड़ू और इंड्री को डिवीजन बनाया,
पुनहाड़ा को। तो ऐसे बहुत सी योजनाएं जो है पिछले 9 वर्ष में जो केंद्र और प्रदेश की सरकार ने चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप और हमको पता है कि ये मेवात पिछले 9 वर्ष के से पहले मेवात के अंदर कैसी अराजकता थी, किस तरीके से लूट मची हुई थी, किस तरीके से कामों में भ्रष्टाचार होता था, आप और हम सबको पता मित्रों। और इस 9 साल के अंदर हमने वो काम किया है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने यहाँ पर एक एक गांव, चाहे वो सड़कों की मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे वहाँ ट्यूबवेल का पानी के ऊपर कनेक्शन की बात हो, मतलब हर तरीके से आपका ये जो अलवर वाला रोड है आपका गुड़गांव से अलवर, इसको 4 लाइन किया जा रहा है, इसका टेंडर कुछ टाइम में होने वाला है। अभी पलवल से वो होटल से बड़कली तक का टेंडर हो गया है। तो एक तरीके से मेवात का जितना डेवलपमेंट मनोहर जी की सरकार ने किया है उतना डेवलप पिछले 40-50 वर्षों में और जो सरकारें रही हैं उन सरकारों ने यहाँ विकास नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के। आपको और हमको पता है बांटने का काम भी किया है इन लोगों ने, किस तरीके से एक दूसरे को बांटा गया है, किस तरीके से मेवात को नाम से पिछड़े का जिला का नाम देकर उसको पीछे धकेला जाता था। ये मनोहर जी की ही सरकार है जिन्होंने कहा नहीं मेवात को हम नंबर 1 जिला बनाएंगे, उसके लिए हमको ये बंबई एक्सप्रेस हाईवे ऐसे नहीं निकला है। आपने देखा कांग्रेस की सरकार में तो केएमपी भी नहीं बना, केएमपी भी मनोहर जी की सरकार ने कंप्लीट किया। तो जितने काम मनोहर जी की सरकार ने किया, अभी आप जाके देखो आईएमटी हमारी सोना आईएमटी है तो हमारे मेवात के अंदर इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा दी, इतना बड़ा उद्योग आ गया। आज हमारी जमीनों का जो रेट है वो पिछले 9 साल पहले का आप आंकलन लगा लीजिए क्या रेट था। पहले कोई सरमाएदार मेवात में आके राजी नहीं था, कोई व्यापारी यहां पैसा लगा के राजी नहीं था। आज बड़े बड़े क्लस्टर यहां पर आ रहे हैं, और इंद्री ब्लॉक और आपका अगर पुराना फिरोजपुर झिरका वाला अगर ब्लॉक देखोगे तो आने वाले टाइम में यहां 9 क्लस्टर बनने जा रहे हैं, यहां 2 सिटी बसाई जा रही है। तो इस तरीके से जिस तरीके से 9 साल की उपलब्धियां मैं आपको गिनाऊं तो बहुत सी हमारे पास में योजनाएं हैं का विस्तार करने की बात हो। चाहे आयुष्मान कार्ड के लिए हमने जो पहले 1,20,000 था अब 1,80,000 इनकम वाले का भी आयुष्मान कार्ड दिया, 1,80,000 वाले को भी आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख तक का जो है फ्री इलाज होता है। इसलिए गरीब आदमी की जमीन ना बिके, गरीब आदमी का कोई सोना चांदी धन ना निकले, उसको फ्री में इलाज मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी हमारी सरकार चिंतित रही है, उसमें भी बहुत काम किया है। और आप और हमको पता है मेवात के अंदर और इस 9 साल के अंदर कितनी नौकरियां दी हैं मनोहर जी की सरकार ने। आपके यही 40-45 तो जेई लगे हैं आपके, 2-3 तो HCS लगे हैं आपके यहाँ, और बहुत से तो डी ग्रुप में इतने बच्चे लगे हमारी मेवात के, जो पहला रिकॉर्ड है हरियाणा के अंदर। मेवात के अंदर इन 9 सालों में जितनी नौकरियां मेवात जिला को मिली है इतनी पिछले 40-50 वर्षों में जो सरकारें रही वो दे नहीं पाई, ये गारंटी है मनोहर जी की। और मनोहर जी तो कहते हैं कि आप साथ लगिए, आप देखिए, आपने हमें 1 सीट भी नहीं दी, लेकिन फिर भी जो जहां हमारी सीट है जहां भाजपा को वोट मिला है वहां भी उतना ही विकास हुआ है, और जहां ना मिला है वहां दुगुना हुआ है। ये मनोहर जी की ही नीति है कि एक हरियाणा एक हरियाणा, वो एक एक हरियाणा के एक एक आदमी की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही फिरोजपुर झिरका में कॉलेज वो मैंने आप बात आ गई है रेल कॉरिडोर, आपके इतना बड़ा रेल कॉरिडोर, और आपके भी यही नजदीकी सूक्ष्म बंदरगाह भी बनने जा रही है, वो कॉरिडोर के साथ लगती हुई होगी, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पर मिंडकोला में बहुत से भारतीय जो पार्टियां हैं वो आके जमीन परचेज कर रही हैं, और मेरा ख्याल से काफी एरिया उन्होंने अक्वायर भी कर लिया है।
उस एरिया के अंदर आपके जो ये कॉरिडोर बना है, इसके लिए जो कंटेनर आएंगे मॉल के, माल जहां से आएगा यहां स्टॉक होगा और यहां से वो फिर विभिन्न स्थानों पर जाएगा। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक टाइम आप देखना कि अगले 5 वर्ष में इस क्षेत्र की कायापलट हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं, ऐसे ही किसान सम्मान निधि, नरेंद्र भाई मोदी जी जब आए 2014, उससे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था किसान सम्मान निधि के बारे में, किसानों की चिंता करने के बारे में। आप देखिए मनोहर जी की सरकार ने 12,000 करोड़ का मुआवजा दे दिया है, 12,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। किस चीज का मुआवजा दिया है? खराबे का। किस चीज का मुआवजा दिया है? ओलावृष्टि का। किस चीज का मुआवजा है? डूबे का। किसी की जमीन में अगर फसल में पानी खड़ा हो गया और फसल खराब होगी तो भी मुआवजा दिया। 12,000 करोड़ रुपया आज तक का रिकॉर्ड है। नहीं, कांग्रेस की सरकार में आप और हमको पता है 5-5 रुपए के चेक मिलते थे, 2-2 रुपए के चेक आते थे। आज अगर एक कनाल जमीन में 15 भाई भी हैं हिस्सेदार तो 500 रुपए से नीचे का चेक किसी को नहीं मिलता है। और बाजरा की और सरसों की खरीद किसने करी? आपने और हमने, पता आप भी सबको सामने दिखाते हो, आए दिन मीडिया में चल रहता है कि जो भाव जो MSP बाजरा का नरेंद्र भाई मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने दे दिया वो किसी आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। वेजिटेबल के विषय में आप देखिए, जो सब्जी के किसान है मेरे भाई, जब उनकी फसल आती थी तो 50-50 पैसे में, 20-20 पैसे में प्रति किलो के हिसाब से पिट जाते। ये मनोहर जी की और मोदी जी की सरकार ने उनको भी भावांतर भरपाई के माध्यम से उनकी फसल को भी सिक्योर करने का काम किया है, उनके जोखिम को भी सिक्योर करने का काम किया है। उनकी जो लागत आती थी उस लागत को तो उसको पूरा मिल जाए, उस किसान को बचाने का काम किया जिससे उस पर कर्जा ना चढ़े। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप कहीं किसी मंडी में जाओ, कोई मंडी में आप जाके अपना अनाज बेच सकते हो, कहीं कोई भी। आज आढ़ती परेशान नहीं है, आज किसान परेशान नहीं है, आज सरमाएदार परेशान नहीं है, ना सेलर परेशान ना परचेजर परेशान। ऐसी सरकार पहली दफा देखी है। आज मंडी के अंदर ही कांटा हो जाता है। आज 5 रुपए में किसान को मंडी के अंदर ही अपना भोजन, भर पेट भोजन मिल जाता है। मुख्यमंत्री किसान कैंटीन चल रही है। गरीब लोग जो बेचारा मंडी के अंदर जाता था किसान और पूरा पूरा दिन भूखा रहता था, आज वो नौबत नहीं आती है। 10 रुपए 10 रुपए चार में। तो ये बहुत बड़ी चीजें जो मनोहर जी की सरकार ने की है। आज देखिए बिना पर्ची बिना खर्ची, अगर इस देश के अंदर मैं बात करूं जितने राज्य हैं, अगर किसी का उदाहरण दिया जाता है तो हरियाणा का दिया जाता है। मित्रों, बिना खर्ची बिना पर्ची के बच्चे नौकरियां लगते हैं, ये विश्वास है, ये सरकार के ऊपर फेथ है। बच्चों को, बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया है, कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, ऐसी ऐसी जगह खुल गए जहां पहले कोचिंग सेंटर वाले जाके राजी नहीं थे, लेकिन आज उनको ये लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है मैं वहां जाकर अपना कोचिंग सेंटर खोलूं जिससे कि मेरी भी इनकम होगी, बच्चे को भी वो शिक्षा जो लेना चाहता है वो मिलेगी। तो ये 9 साल की जो उपलब्धियां हैं मनोहर जी की सरकार की, मित्रों अगर आकलन करें तो मेरे हिसाब से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, जब से लेकर और 2014 तक का जितना भी आंकड़ा आप उठा के देखिए, हर क्षेत्र का आंकड़ा उठा के देखिए, अगर मनोहर जी की सरकार ने 9 सालों में जो काम कर दिया वो पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं किया। अब मेडल की बात आ रही थी, वो देते थे 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए, मनोहर जी की सरकार ने गोल्ड मेडल लाओ 6 करोड़ पाओ, मनोहर जी की सरकार ने कहा सिल्वर मेडल लाओ 4 करोड़ पाओ, मनोहर जी की सरकार ने कहा ब्रॉन्ज मेडल लाओ और अपना 1.5 करोड़।
1.5 करोड़ पर। पहले कितना था? 14 से पहले आंकड़ा उठाइए। हुड्डा की सरकार 1 करोड़ रुपए देती थी, कहीं 2 करोड़ देती थी, कहीं 3 करोड़ रुपए देती थी। आकलन करके देखिए आप किसान की आमदनी देखिए। हमने कहा था 2014 में कि किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। 2022 का हमने टारगेट दिया था। मित्रों आप उठा के देख लीजिए आंकड़ा। उस टाइम का एमएसपी हमने प्रॉफिट का 50% एमएसपी हर साल बढ़ाने का काम करने की ऐसी सरकार, ये हमने वादा किया था, वो आज भी चलता है। बाजरा का रेट 1100 रुपए होता था, आज क्या रेट है? 550। कितना हुआ? सरसों का रेट क्या था? 2200 रुपए था, 2200-2300। आज क्या है? 5400-5600 करीब। गेहूं का रेट क्या था और आज क्या है? आज 2600 है, पहले क्या था? 1300 रुपए, 1400 रुपए। तो मैं ये कह रहा हूं हमने डबल इनकम करी है किसान की, और प्रूफ के साथ बता रहे हैं। हम झूठ बोलने वाली पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हम तथ्यों के आधार पर चलने वाली पार्टी के कार्यकर्ता। हमने किया है, हमारी सरकार ने किया, मनोहर जी की सरकार ने किया है। आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसे नहीं कहा होगा। और आप और हम देखते हैं कि दिल्ली की सरकार ने किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की काया पलटी है। आज विदेशों में भी नरेंद्र भाई मोदी जी को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं, एक लीडर के तौर पर देखा जाता है। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था, हमारे बच्चों को अगर वहां से कोई लेके आया सेब तो युद्ध रोकना पड़ा उनको, हमारे बच्चे निकले, और देशों के बच्चे भी हमारा फ्लैग लेके निकले थे। ये कोई छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है भारत देश के, ये ताकतवर देश का ताकतवर नेता ही कर सकता है। आज फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई चल रही है, आज भी कहते हैं कि नहीं मोदी जी को लेके बात कर, मोदी जी ये युद्ध को रोक सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है, विश्वास दर्शाता है उस नेता के पर, दुनिया उसके साथ चलना चाह रही है। हमारी पार्टी का इतना मजबूत लीडर है। आज हमारे वीजा, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू मान देखिए क्या है। कांग्रेस की सरकार थी, वही बड़े बड़े नेताओं के चड्डियां उतार लिया करते दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर। आज की सरकार है, इंडियन पासपोर्ट दिखाते ही आपको ऐसे दिए जाते हैं जैसे रिश्तेदार आ जाते ना घर में कि यार बहुत आओ भगत करो। तो मित्रों हमने अपने 9 साल की उपलब्धियां आपके बीच में रखी हैं, और जो भी कोई जैसे ये तो हो गया ना बुढ़ापा पेंशन अगले नवंबर से चालू हो जाएगी, और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ताऊ देवलाल ने जिस तरीके से 100 रुपये से बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की थी, लेकिन कांग्रेस और लोकदल वाले बीच बीच में वो रहे, लेकिन जितनी मनोहर जी की सरकार ने 9 साल के अंदर इस पेंशन बुढ़ापा पेंशन को आगे बढ़ाने का काम किया, जिस रफ्तार से बढ़ाया है उतना आज तक किसी सरकार ने बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ाई है। 2014 में कितनी पेंशन थी बुढ़ापा? 1000 थी, और आज है 2750 8%, और नवंबर से 3000 होने वाली। तो हर तबके के लिए, हर नौजवान के लिए नौकरी की बात हो, बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, बुजुर्ग के लिए आयुष्मान कार्ड की बात हो, उसके स्वास्थ्य की बात हो, उसके पेंशन की बात हो, उसके खर्चे खाने की बात हो, और आपने देखे गरीबों को जो अनाज, और जो गरीब आदमी है हमारे बीपीएल के भाई हैं उनको अनाज, साथ में सरसों का तेल, चीनी, पहले तो ये मिलता ही नहीं था तेल, तो चीनी बहुत कई कई महीने लग जाते, टाइम पर राशन ही
नहीं आता था, और आता था तो उसमें भी बिचौलिया खा जाता था। आज आप जाइए, अंगूठा दबाइए, अपना राशन लीजिए और अपने घर आइए। फिर हो रहा है सब कुछ, फिर चल रहा है सब कुछ। इसलिए कहते हैं ईमानदार नेता की ईमानदार सरकार, ताऊ मनोहर लाल खट्टर की ईमानदार सरकार। आज वो स्टेट भी, चाहे यूपी हो चाहे आंध्रा हो, आंध्रा के लोग भी ये कहते हैं कि हरियाणा का जो पीडीएस सिस्टम है सबसे बेस्ट है। तो इन सारी उपलब्धियों के विषय में मैंने आप लोगों को रूबरू करवाया। हमारी 9 साल की सरकार की जो उपलब्धियां थी, मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की उपलब्धियां थी, वो मैंने आपके बीच में रखी है। अगर आपका कोई सवाल है तो